बेटा आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती है। इस पर्व के अवसर पर हम गांधी जी को याद करते हुए दो शब्द उनके विषय में बोलना चाहेंगे आप सभी। हाँ यस मैम। कितने लोग तैयार हैं बोलने के लिए? हैंड शो कीजिए। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती है आज। दोनों का ही स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गांधी जी तुम्हारे राष्ट्रपिता भी हैं। तो चलिए आप सभी लोग बिना पहले कोई सूचना के ही तैयार किए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले आस्था बोलेंगे। आस्था चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं माइक ऑन करके अपना बोलेगा, बाकी लोग अपने जो है माइक को बंद रखेंगे, ठीक है? चलिए आस्था बेटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था मौर्य है। मैं आपको गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी से हो गया था। गांधी जी ने 1887 में 10वीं पास किया और 1888 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए। 1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। धन्यवाद। अच्छा बेटा आगे चलिए। शिवांगी त्रिपाठी टेल यू ऑन द माइक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी त्रिपाठी। स्टॉप, ठीक से बोलिए, थोड़ा आगे आके और स्पीकर के पास माउथ करके बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आए इतना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी त्रिपाठी। आई एम रीडिंग क्लास 4। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। सुनाई नहीं दे रहा बेटा। शिवांगी त्रिपाठी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। स्पीकर को रख के वैसे बोलिए, आप देखिए। शिवांगी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक सामान्य निगोरक परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। शास्त्री जी के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे। वह बाद में उन्होंने भारत सरकार के राजस्व विभाग में कलर्क के पद पर कार्य किया। लाल बहादुर की शिक्षा हरिश्चंद्र उच्च विद्यालय और काशी विद्यापीठ में हुई। आपने स्नातकोर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आपको शास्त्री की उपाध्याय से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। चलिए शिखर। मैं गांधी जी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता जी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के तीरवंदर में हुआ। उनकी
वो 14 साल में उनका विवाह बाल अवस्था में किया गया कस्तूरबा गांधी के साथ। 1887 में गांधी जी ने 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्स कॉलेज में लंदन चले गए। उन्होंने 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी की। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, चलिए हैंड शो करिए जिनको कहना हो। चलिए बरखा, जैसे एक लोग बोल रहे हैं दूसरे लोग कहना होगा, जब जैसे उनका स्टाफ होगा वैसे हैंड शो कर दीजिएगा, हम अपने आप बता देंगे। बरखा भी की है, बरखा के नमस्कार दोस्त। हाँ चलिए बरखा शुरू कीजिए आप। नमस्कार दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बरखा वर्मा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। गांधी जयंती पे मैं गांधी जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी माता जी का नाम पुतली बाई था। इन्होंने 1887 में 10वीं पास कर 1888 में कानून की पढ़ाई की। धन्यवाद दोस्तों। बहुत अच्छा, चलिए दीपक, दीपक के बाद तो अभिनय पांडे। गांधी जी का नाम गांधी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं गांधी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनका जन्म 1869 में हुआ था। 1869 अक्टूबर को हुआ था। इन्होंने 1888 में कानून की थी। हाँ चलिए अभिनय पांडे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अभिनय पांडे। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट गांधी जी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। उनकी पुत्री का नाम पुत्री बाई था। और वे उन्हें हम सभी लोग उनको हम प्यार से बाबू बुलाते हैं, राष्ट्रपिता बुलाते हैं। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। उनको हम सभी लोग प्यार से बाबू बुलाते हैं। और वो उन्होंने हम लोगों को 15 अगस्त को आजादी प्राप्त करवाई थी। धन्यवाद। चलिए बेटा अनुष्का, इसके बाद सिमरन। महात्मा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का यादव है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में सुनाने जा रही हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी से हुआ। 1887 में गांधी जी ने 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए।
1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। यहाँ गांधी जी को भारतीयों के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बावजूद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इसी तरह की बहुत सी घटनाएं उनके सामाजिक में अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि, जिसमें गांधी जी ने जमींदारों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, कई हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। इसी संघर्ष के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा और सरदार पटेल ने उन्हें बापू के नाम से संबोधित किया। जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे शाम को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सुनाया। चलिए, हाँ राजपाल, सिमरन को कहना है। राजपाल, चलिए राजपाल, राजपाल सुभाष सिमरन। मेरा नाम राजपाल है, मैं गांधी जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंद में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता जी का नाम पुतली भाई था। उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आगे सिमरन। सिमरन, मेरा नाम सिमरन भारती है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी, धन्यवाद। चलिए बेटा, और कौन सुनाएगा, और किसी को कुछ कहना है? हाँ नैना वारी, चलियो। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता जी का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में हुआ था। धन्यवाद। बहुत अच्छा, चलिए संजीव। बेटा पहले अपनी स्पीकर ऑन कीजिए आप। संजीव,
अब बोलिए शुरू से। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनके माता जी का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। 1857 में गांधी जी ने दसवीं पास की और 1878-88 में कानून की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। 1851 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब किसको सुनाना है? हैंसो करेंगे। अभी कुछ बच्चे बच्चे रह गए हैं। हाँ साक्षी, साक्षी हाँ सुनाइए बेटा। किसी को अगर बापू जी का प्यारा भजन भी याद हो तो भी आप सुना सकते हैं। उनकी कोई, उनके ऊपर बनी हुई कोई गीत हो, संगीत, उसको भी आप सुना सकते हैं। हाँ चलिए साक्षी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी पासवान है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 30 जनवरी को 1938 में नथुराराम गोड व्यक्ति ने गांधी जी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे शाम को नई दिल्ली के विराडल भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। अपने पूरी जीवन काल में गांधी जी अनोखे बार जेल गए और उनको आंदोलन किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही वे आज भी लोगों के दिल दिमाग में विराजमान हैं। गांधी जी को सब लोग प्यार से बापू कहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कौन सुनाएगा? गौरव। हाँ चलिए गौरव सुनाइए। अभी गौरव है, उसके बाद शिवान्या, उसके बाद अतुल। चलिए गौरव। गांधी जी का नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम गौरव पासवान है। मैं गांधी जी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। उनके माता जी का नाम पुतली भाई है। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में हुआ था। बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी का उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वे शाम को नई दिल्ली की विराडर भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब आगे सुनाएंगे अतुल।
अतुल हाँ चलिए सुनाइए इसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का बाल्य 14 की बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। चलिए बेटा शिवान्या अभी सुनाएंगे, तो सुनाइए आगे। 1887 में गांधी जी ने 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। 1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। यहाँ गांधी जी को धन्यवाद। चलिए बेटा शिवान्या सुनाएंगे, यशवर्धन तैयार रहिएगा आपको सुनाना है तो शिवान्या सुनाइए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 की बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गया। 1887 में गांधी जी ने 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज लंदन चले गए। 1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। बच्चे हम सब गांधी जी को बापू के नाम से भी पुकारते हैं। बहुत अच्छा बेटा, चलिए संजना यशवर्धन सुनाएंगे। बेटा माइक ऑन कीजिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका विवाह 14 में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने 1918 में 10वीं शिक्षा पास की थी। उन्होंने कई सारे कदम उठाए थे और उन्होंने उनको हम सब बापू के नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, चलिए अब आदर्श और आदित्य बचे हुए हैं, हैंड शो भी नहीं कर रहे हैं। चलिए आप दोनों भाई में से एक लोग सुनाइए। मैं गांधी जी के बारे में बताने चाहता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 के बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ।
1887 में गांधी जी 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। 1891 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। धन्यवाद। अच्छा चलिए सुनाइए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1896 में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह 14 वर्ष चलिए सभी लोग सुना चुके। कोई बचा तो नहीं बेटा? सभी लोग ने संजना चलिए सुनाइए बेटा। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोल रही हूँ। हाँ बेटा, लाल बहादुर शास्त्री का भी तो जयंती आज है। हाँ बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आप बेटा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज कट रही है। संजना नेटवर्क में आके आप बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुंशी साधा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। चलिए बेटा। इनके पिता एक शिक्षक थे। शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए सब प्यार से उन्हें नन्हे बुलाते थे। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनके द्वारा गांधी जी के नारे का मरो नहीं मरो में चतुराई से बदलाव मात्र से देश में क्रांति की भावना जाग उठी और उसने प्रचंड रूप से ले लिया और इसके लिए शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि ने उन्हें नेहरू जी के मृत्यु के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और उनके सफल मार्गदर्शन में देश काफी आगे बढ़ा। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी की जयंती के बारे में शब्द कहे। चलिए तो थोड़ा हम सिलेबस के बारे में बता दें आप लोगों को। फिलहाल होमवर्क तो दे ही दिया गया है आप लोगों को। आज का होमवर्क
खेल खेल में मुलाकात, चैप्टर मेरा बनाया खेल। अभी आप लोगों ने किया नहीं होगा ना? हाँ बेटा, अभी आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा ना जो आज भेजा गया है? नो मैम। देखिए नो मैम, इसमें करना क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए। पहले आपने दूसरों के द्वारा बनाए हुए अब तक कई खेल खेले होंगे, अगर आपको भी कोई खेल बनाने का मौका मिले तो, यानी आपने अभी तक बहुत सारे खेल खेले जो दूसरों को बनाए थे, आप कोई नया खेल ये खेलने के लिए और उसके बारे में लिखिए, उस खेल का नाम क्या रखेंगे जो आप नया खेल बनाएंगे, यहाँ पर आपको उस खेल का नाम लिखना है। नंबर खा, उसमें कितने खिलाड़ी रखेंगे जो आप खेल बनाएंगे, उसमें कितने खिलाड़ी होंगे, उस खिलाड़ियों की संख्या लिखेंगे। नंबर का है उसके नियम क्या होंगे, जैसे लूडो का नियम है इसमें चार खिलाड़ी होते हैं, आमने सामने के दो खिलाड़ी मित्र भाव से भी खेल सकते हैं, या अलग अलग भाव से खेलना हो तो चारों खिलाड़ी अलग अलग भाव से भी खेलते हैं, है ना। ऐसे ही कैरम का भी नियम है, वो गीत फेंका जाता है, छह गीत आने पर गीत आगे बढ़ती है ना, और सामने जो गीत पर जाता काट दिया जाता है। इस तरह से जो नियम है, आपके जो खेल होंगे नए, जो खेल आप बनाएंगे उस खेल के क्या नियम है उसको यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। उसे कैसे खेलेंगे, खेलने का तरीका भी यहाँ लिखना है। आई समझ में? कोई नया खेल जो आप बनाएंगे, उस खेल का नाम, उस खिलाड़ियों की संख्या, खेल के नियम और खेलने का तरीका, ये पांचों चीज यहाँ, चारों चीज यहाँ लिखना है। सबके समझ में आ गई? हाँ बेटा। आज का होमवर्क आपका यही है, और आगे चलिए कल के लिए होमवर्क क्या करना रहेगा इसको भी हम समझा दें, नहीं तो जब भेजेंगे करने के लिए तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे क्या करना है। घर के अंदर और बाहर खेल, घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले किसी एक एक खेल के बारे में लिखेंगे। यहाँ विषय भी दिया गया है एक कालम में, दूसरा है घर के अंदर खेले जाने वाला खेल, आप कोई भी एक खेल चूज करोगे जो आपको अच्छा लगता है जो घर के अंदर खेला जाता है। यहाँ खेल का नाम होगा, खिलाड़ियों की संख्या होगी अगर घर के अंदर वाले बता रहे हैं, फिर खेल के नियम इसको लिखना है आपको, और दूसरा कालम में आपको घर से बाहर खेला जाने वाला खेल लिखना है, जैसे खो खो का खेल हो या कबड्डी का खेल हो, बैट बॉल हो या फिर क्रिकेट हो, जो भी हो उसके क्या नियम है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, ये सारा चीज लिखना है इसमें, खेलने का तरीका। ठीक है, तो एक में आपको घर के अंदर खेलने वाला खेल के बारे में पूरा डिटेल लिखना है, और दूसरे वाले में घर के बाहर खेले जाने वाले खेल का। घर के अंदर कौन कौन से खेल? हाँ बेटा राजपाल। मैम बुक का फोटो सेंड कर दीजिएगा। इसका बेटा मैम फोटो सेंड कर दीजिएगा। यानी पीडीएफ भेज देंगे आप लोग, उसको देख के करेंगे, नोटबुक भी कर लेना आप लोग ऐसे कलम बना के, है ना। हाँ, जिसके पास बुक नहीं है नोटबुक पे वही हेडिंग डाल के कर लेना, बहुत अच्छी बात है, भेज मैम। यस मैम। तो इसको आपको करके ना है, कल का आपकी होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। यस मैम। उसके बाद जब अगले सेशन में मिलेंगे हम, तो फिर और जो क्या करना है इसके बारे में हम बताएंगे आपको, पिछला जो पेज है वर्कबुक वाला, आज के लिए आज वाला वर्क बता दिए हैं, कल वाला वर्क बता दिए हैं, तो दोनों वर्क जो पहले आज का वर्क करके भेज देना फोटो, कल का वर्क, आज का वर्क के लिए भी आप लोगों को भेजना रहेगा फोटो। यस मैम। इसके लिए फोटो भेजना है, इसमें आप किसी खेल का, देखिए इसमें हेडिंग बता दिए है ना,
खेल का नाम रखना है, नंबर का खिलाड़ियों की कितनी संख्या है उसको लिखना है, नंबर का उसके नियम क्या है, हेडिंग यही है आपका, और खेलने का तरीका इसी नोट कर लो। आप लोग कहते ना पेंसिल, नोट कर लो ही कहीं किसी भी कागज पे, नंबर का है खेल का नाम, दूसरा है खिलाड़ियों की संख्या, तीसरा है खेल के नियम, चौथा है खेलने का तरीका। इसी को आप नोटबुक में करके बोल दीजिए, नंबर का लिखिए, खेल का नाम तो लिख कीजिए। चीटिंग करने में तुम उस्ताद ही हो, तुम्हें तो कुछ ढूंढना ही नहीं है, तुम तो किसी की भी देख लोगे और उसी का फोटो भेज दोगे अपने नाम से। चीटर हो अभिनय पांडे, लिखे यस मैम, यस मैम। नंबर खा खिलाड़ियों की संख्या, जल्दी कीजिए, अब क्या मोबाइल टच कर रहे हो, लिखो तो। मैम हो गया, गा पे लिखिए उसके नियम, खेल के नियम, लिखना पढ़ना है और खेलने का तरीका, हमें खेलने का तरीका। तो सभी लोग समझ चुके हैं, चलिए बेटा सेशन करते हैं, बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।